हाँ तो बच्चों, हमने जो पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था 1.4 तक, ठीक है बच्चों, इससे चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में हमने किया बच्चों। तो बेटा ये पार्ट टू में है ये क्वेश्चन। तो ये बेटा हो गया 50 kg, 50 kg आप n2 ग्राम एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्सड टू प्रोड्यूस द NH3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आते हैं बेटा यहाँ पे, हम इसको करते हैं ऐसे। तो बेटा हम यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने लिया N2, बेटा क्या लिया हमने यहाँ पे, इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो हमने ले लिया बच्चों जैसे N2 बेटा यहाँ पे ले लिया, सॉल्व हम बेटा यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। तो नाइट्रोजन लिया बेटा, ये गैसियस फॉर्म में है। ये बच्चों हमने ले लिया 3H2 बेटा ले लिया हमने यहाँ पे, ये गैसियस फॉर्म में बेटा। ये हमने बेटा ले लिया 2NH बच्चों, 3 के गैसियस फॉर्म में है ना बेटा। तो मोल्स आप हम यहाँ पे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों हम नाइट्रोजन का लेते हैं। तो होता है फार्मूला जानते हैं कि एक्चुअल एक्चुअल वेट ऑफ नाइट्रोजन है ना बच्चों, अपान होता है बेटा यहाँ पे हम कहते हैं मोलर, क्या कहते हैं बच्चों, मोलर मास, राइट। अब बच्चों हम एक्चुअल वेट ऑफ N2 लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअल वेट ऑफ हम बच्चों ले लिया हमने यहाँ पे N2, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 50 kg, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50 kg। तो 1 kg इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं कि 1000 क्या होता है बच्चों, ग्राम होता है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, 50 को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने 1000 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों कुछ इस तरह हो जाएगा 5, ये बेटा हो जाएगा 5 है ना, ये हो जाएगा बच्चों 5 × 10^2 बेटा हो जाएगा 4 बच्चों, हो जाएगा ये ग्राम, ठीक है बच्चों, 5 × 10^2 बेटा 4 ग्राम हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मोलर मास आप कितना दिया है यहाँ पे, इसका है 20 80 ग्राम, ठीक है ना बच्चों, किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। चलिए बेटा तो 50 kg दिया है बेटा, अब मोलर मास बेटा हम निकाल देंगे इसका नाइट्रोजन का। तो ये हमने निकाल लिया मोलर मास, हमने निकाल लिया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 20 80 ग्राम हो जाएगा ना, ये नाइट्रोजन का। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हम L2 निकालते हैं बेटा यहाँ पे। तो बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बेटा हम यहाँ पे N2 निकालेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 5 × 10^4 अपान बेटा हो जाएगा 28, ये बेटा ग्राम है। अरे भाई ना, नंबर ऑफ मोल्स देखिए ये वाले फार्मूले पे हमने किया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने 28 ग्राम बेटा किया लिया बेटा यहाँ पे पर मोल। तो ग्राम से बेटा ग्राम को कैंसिल कर दिया, तो ये बच्चों आ गया आपका 1.786 × 10^3 बच्चों, हो गया 3, क्या हो गया बच्चों, ये मोल है ना बच्चों। अब इसी तरह बेटा हम हाइड्रोजन का निकालेंगे सेकंड। तो हमने सेकंड निकाल लिया बच्चों मोल्स ऑफ बच्चों, हमने निकाल लिया किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्चुअल हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एक्चुअल वेट ऑफ हमने बच्चों ले लिया H2, ये हो जाएगा बेटा मोलर मास ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास ऑफ H2 है ना, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअल वेट हम निकाल लेते हैं फिर उसी तरह। तो हमने यहाँ पे लिया एक्चुअल एक्चुअल वेट ऑफ हम ले लेते हैं बच्चों किसका, H2 का। तो ये बेटा हो जाएगा इसी तरह, भी उसी तरह है, 10 है बच्चों। यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 kg। अब इस एक्चुअल वेट ऑफ 10 kg को किस में हम करूँ, 10 kg आप H2 है ना, इसको भी हम उसी तरह करके क्या करेंगे बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 kg है ना, तो यहाँ बच्चों हमने ले लिया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के है ना बेटा। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 kg हमें 10 kg है तो इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना हुआ, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी आ गया बेटा आपका 10^4 बच्चों 4 ग्राम आ गया बेटा। अब आते हैं बच्चों मोलर मास आप इसका निकालते हैं, जिसे हमने उसका निकाला था मोलर मास आप बच्चों, क्या हो गया H2।
तो मोलर मास एच टू हमने क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 ग्राम बेटा क्या हो गया पर मोल के, है ना बच्चों। अब हम यहाँ इसमें रख देते हैं इस वाले फार्मूले में, एक्चुअल मास वाले में, इस वाले फार्मूले में हम रखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10^4 बटा हो गया, ये हो गया 2 ग्राम, 2 ग्राम पर मोल, ये हो गया 10^4 ग्राम। बच्चों हमने ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दिया, तो बेटा ये आ गया 5 × 10^4 क्या हो गया, ये 3 मोल आ गया। अब बच्चों हमें एक्चुअल मास देखना है, यहाँ पे एक्चुअल जो इक्वेशन होगा वो होगा क्या, तो बच्चों हमने एक्चुअल इक्वेशन लिया बेटा यहाँ पे, तो बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे N2 ग्राम हमने बेटा लिया, प्लस हमने क्या ले लिया बच्चों 3H2 ले लिया बेटा, ये ग्राम ले लिया बच्चों, ये क्या हो गया 2NH3K, क्या हो गया बच्चों 2NH3K, तो बच्चों ये हो गया 1 मोल है ना बेटा, ये हो गया आपका 3 मोल है ना बच्चों, ये हो गया बच्चों आपका ये 2 मोल, 1 मोल यानी 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, मिलके बनता क्या है 2 मोल अमोनिया। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे हमने 1 पॉइंट क्या किया 7 × 10^3 कर दिया यहाँ पे, ऑफ नाइट्रोजन N2 क्या कर रहा है रिक्वायर्स, है ना बच्चों किसका हो रहा है बच्चों H2 का। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × क्या कर देंगे 1.786 × बच्चों हम कर देंगे 10^3 के, है ना बच्चों, ये हो गया। अब बेटा इसका जब कैलकुलेशन आएगा तो ये आ जाएगा 5.36 × 10^ बेटा हो जाएगा बच्चों 3 मोल के। अब बच्चों आते हैं बट मोल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे बट मोल्स ऑफ H2, बट मोल्स ऑफ H2 जो होते हैं बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये होते हैं बेटे 5 × 10^ बेटा 3 मोल्स होते हैं, है ना बच्चों। अब ये कह रहा है कि जो भी वो कंपोनेंट जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जो भी कंपोनेंट होता है, मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, यानी कि रिएक्शन होते रिएक्शन हो रहा है उसी ड्यूरिंग क्या होता है कि उसी पीरियड में एक कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, मतलब कि ख़त्म हो जाता है यानी तब जब से एक प्रोडक्शन एक रिएक्टेंट क्या होगा समाप्त हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा रिएक्शन जो होता है क्या होता है बच्चों रुक जाता है, वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है बच्चों। तो यहाँ बेटा यहाँ क्या है कि H2 गैस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस क्या है बच्चों इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है बच्चों इज द लिमिटिंग बच्चों ये है आपका ये बेटा रिएजेंट, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ ये कहते हैं कि 3 मोल ऑफ H2 क्या देता है, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 मोल H2 यहाँ कहाँ गया गया 3 मोल H2 ये देखिए 3 मोल H2 ये है 3 मोल H2 हमें क्या देता है 2 मोल अमोनिया। तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि 3 मोल H2 हमें गिब्स कितना देता है बच्चों, हमें देता है अमोनिया, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मोल देता है, यानी 3 मोल्स हमें H2 हाइड्रोजन गैस देती है कितना अमोनिया, कितना मिलता है हमें अमोनिया 2 मोल के, है ना बच्चों। तो ये कह सकते हैं कि 5 × 10^-3 है मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 बच्चों गिब्स क्या देता है, तो ये हम आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे NH3 हमें देगा बेटा कितने के, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 × 5 × 0 × 10^3, ठीक है बेटा। बच्चों तो ये आ गया बच्चों 3.3 × 10^3 आपका मोल आ गया। अब हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों मास ऑफ NH3 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मास ऑफ NH3 बेटा फॉर्म हो रहा है, तो लिखेंगे मास ऑफ NH3 यानी गैस इज फॉर्म हो रहा है बच्चों, तो फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ NH3 इंटू मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ये मोलर मास के, एन क्या है एक्चुअल मास अपन मोलर मास के,
पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल ट्री भी फिर भी बता देता हूँ, एक्चुअल वेट कर लीजिए। ये बेटा मोलर मास अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले इस इक्वेशन को, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू, ये आपका एन इज इक्वल टू बेटा है ना बच्चों, ये बेटा आपका ये एन इज इक्वल टू है, ठीक है ना। अब बेटा आपको यहाँ पे हमें ये समझना है कि अब हमें बस वैल्यू पुट कर निकाल लेनी है बेटा यहाँ पे। तो ये बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, अरे ये बच्चों हमने यहाँ पे लिखा, ये आ गया बेटा यहाँ पे कि 3.3 इंटू 10 के पावर 3 बेटा, ये क्या है बच्चों, मोल है। इंटू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों हो गया 7.9 के, किसके, ये भी ग्राम के, ये भी क्या है बच्चों, मोल के। तो ये बेटा मोल मोल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आ जाएगा ये, आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो बच्चों आ जाएगा क्या, 56, क्या आ जाएगा बच्चों 56, ये आ गया 00 बेटा ग्राम आ गया यहाँ पे। अब बेटा ये होता ही आपको पता है, 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू ना बेटा, तो बच्चों 1 kg इज इक्वल टू हो गया आपका 1000 बेटा ग्राम के। तो बेटा इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 560 10, 5610 बेटा हो जाएगा 1000 से हमने कर दिया डिवाइड, तो बच्चों ये आ गया 56.1 बेटा, ये आ गया kg, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा आपका ये आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। तो आज आज का बेटा पार्ट टू का हम यहीं पर करते हैं, है ना बेटा, इसे और फिर बेटा हम आगे इस लेक्चर को फिर हम वीडियो लेक्चर को बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।